नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का किया उद्घाटन। फेसलेस और फियरलेस असेसमेंट की हुई शुरुआत। तेईस सितंबर से 3 दिवसीय विधानसभा सत्र होगा आयोजित। कैबिनेट बैठक में फैसला। विधायकों के वेतन में कटौती के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार। प्रदेश में अगले 2 दिनों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। बारिश और भूस्खलन से कई जिलों में संपर्क और राजमार्ग प्रभावित। और उधम सिंह नगर में फैक्ट्री कर्मचारियों की हो रही कोरोना की रैंडम जांच। कंपनियां भी दे रही प्रशासन को सहयोग। कोरोना पर अंकुश के लिए प्रशासन चला रहा जागरूकता अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने फेसलेस असेसमेंट यानी करदाता और जांच अधिकारी की पहचान गुप्त रखने की व्यवस्था का भी जिक्र किया। इससे करदाता आश्वस्त हो सकेगा कि विभाग द्वारा किसी प्रकार की छानबीन निष्पक्ष, शिष्ट और तर्कसंगत तरीके से की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि करदाता चार्टर देश के विकास यात्रा में एक बड़ा कदम है। इसमें करदाताओं के अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। चार्टर के तहत करदाताओं द्वारा दी गई जानकारी को गुप्त रखा जाएगा। इसके अलावा समयबद्ध तरीके से मूल्यांकन और अपील निस्तारित की जाएगी। फेसलेस अपील के तहत करदाताओं की शिकायतें देश के किसी भी अधिकारी को रैंडमली आवंटित की जाएंगी। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है, इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईमानदार करदाताओं के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो आयकर की अदायगी करें। प्रदेश सरकार आगामी 23 सितंबर से 3 दिवसीय विधानसभा सत्र का आयोजन करेगी। ये फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 14 मुद्दे रखे गए। कोरोना महामारी में विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्तों से 30% कटौती होगी। ये कटौती 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष तक के लिए होगी। सरकार इसके लिए अध्यादेश लाएगी। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद सेवक भत्ता बढ़ाने का फैसला किया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के कुलपति की उम्र 70 साल निर्धारित की गई है। इस उम्र के बाद सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। बैठक में सौंग और जमरानी बांध के लिए PIU गठन को भी मंजूरी दी गई। 14 बिंदु आए हैं। एक को हमने अगले कैबिनेट के लिए रखा है, 13 पर निर्णय लिया गया है। इसमें प्रमुख रूप से जो नैनीताल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और न्यायाधीश हैं, उनकी जो मिनिस्ट्रियल एवं सेवक भत्ते, उसमें बढ़ोतरी के संबंध में था। एक जो हमारा हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति के कार्यकाल 65 से 70 वर्ष और वर्तमान कुलपति पर लागू होने के संबंध में था। इसी प्रकार राजस्व विभाग के अंतर्गत जो 143 धारा है, इसमें जो एक हमने निर्णय लिया है कि जो जोनसार भाबर में भी हम लोग इसको जारी करेंगे, जो पहले निर्णय लिया था।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने आज 2019 और 2020 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्राप्त करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया। इस पुरस्कार योजना के तहत उत्तराखंड से 2019 में 9 पंचायतें और वर्ष 2020 में 10 पंचायतें पुरस्कार के लिए चयनित हुई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, यह हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। इसमें पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड की पंचायतों ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत विभिन्न मापदंडों के आधार पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम सभा पुरस्कार, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार हासिल किए हैं। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच उत्तराखंड सरकार ने उत्तरकाशी की निलांग घाटी में स्थित गरतांग गली को इनर लाइन यानी प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि गरतांग गली पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इस प्रस्ताव की जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पिथौरागढ़ के नाभीढांग, ओम पर्वत, कुटी गांव और व्यास गांव के साथ ही चमोली के टिम्बरसैंड क्षेत्र, द्रोणागिरी, भविष्य बद्री को भी इनर लाइन से बाहर किए जाने पर चर्चा हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र जल्द ही इस संबंध में फैसला लेगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन को न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा बल्कि उस क्षेत्र का विकास भी होगा। टिम्बरसैंड महादेव, हमने उनसे आग्रह किया कि अगर वो इनर लाइन को खोलें, जैसे टिम्बरसैंड महादेव है, वहां पर अमरनाथ की तरह बहुत बड़ा शिवलिंग बनता है, तो अगर इनर लाइन परमिट हमें मिल जाए, इनर लाइन को वो थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, तो निश्चित रूप में यात्री वहाँ जाएंगे, नीति घाटी में उनको रहने का मौका मिलेगा। इससे हमारा जो ट्रैवल टूरिज्म है ये बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ में भी कुछ ऐसे स्थान हैं, गंगोत्री की तरफ जो आपका जादुंग है, अब तो कम से कम हर्षिल, मुखबा, बगोली, ये तीनों गाँव इनर लाइन से हट गए हैं। हम चाहते हैं कुछ और भी हिस्सा हट जाए तो हम सीमांत गांव के अंदर ट्राइबल टूरिज्म के नाम से इस पूरे क्षेत्र को आबाद कर दें। प्रदेश के 9 जिलों में अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार जनपदों के कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस बीच देहरादून समेत कई पर्वतीय जिलों में आज भी बारिश हुई। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश आज थम गई। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन होने से लामबगड़, भनेरपानी, पीपलकोटी समेत 7 स्थानों पर बंद है। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 39 लिंक मार्ग अभी बंद हैं। बारिश और भूस्खलन से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिले की अधिकांश नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके देखते हुए जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे रह रहे लोगों को सतर्क कर दिया है। इसमें अभी क्योंकि पिछले 2-3 दिन में काफ़ी हैवी रेन्स हुए हैं, तो जिसके कारण हमारा नदियों का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ गया है और लोगों को भी सचेत किया जा चुका है कि नदी के किनारे वाले सतर्क रहें और अपने फील्ड स्टाफ को भी यही इसके लिए अलर्ट किया जा चुका है। साथ ही जितने भी हमारे मकान यदि उनको क्षति हो रही है या फिर खेतों को क्षति हो रही है तो तत्काल उन सभी को मुआवजा दिया जा रहा है और हमारे कंट्रोल रूम वगैरह भी पूरे टाइम एक्टिव हैं, हम 24 घंटे, और कोई भी ऐसी सूचना हो रही है, चाहे रात के 12-1 बजे 2 बजे भी हो रही है, तो वो तत्काल सूचना मिल जा रही है और उस पर तत्काल कार्रवाई भी की जा रही है। उधर पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी तहसील के जोलगढ़ नाले में एक बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। बाइक सवार 2 सगे भाइयों में से एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा बुरी तरह घायल हो गया, जिसे एसडीआरएफ के जवानों के रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पानी के तेज बहाव की वजह से शव को बाहर निकालने में एसडीआरएफ के जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बंगापानी तहसील में आज 2 बाइक सवार बहे हैं, जिसमें एक को बचा लिया गया है जिसका उपचार अभी बंगापानी में किया जा रहा है, और जो एक बुलेट बाइक के साथ जो दबा है उसको, उसका रेस्क्यू स्थानीय लोगों के द्वारा और एनडीआरएफ के द्वारा।
उधर नैनीताल के काठगोदाम में पहाड़ी से गिरकर गौला नदी के किनारे पिछले दो दिनों से फंसी गाय को पुलिस के जवानों ने आज रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर लिया। उधम सिंह नगर जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने पंतनगर, सिडकुल और औद्योगिक इलाकों में 10% कर्मचारियों की रैंडम रैपिड एंटीजन जांच की जाएगी। निजी कंपनियां भी इसमें अपना सहयोग देंगी। कोरोना संक्रमित पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है। प्रशासन कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए जिले भर में रैपिड एंटीजन जांच कर रहा है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित सभी उद्योगों और जनपद के आवासीय कॉलोनियों में भी कोरोना जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। उन्होंने बताया कि सिडकुल क्षेत्र की कंपनियां भी इसमें सहयोग कर रही है। फैक्ट्रीज में या कंपनीज में केसेस ना बढ़े, ये हम लोगों की प्राथमिकता है, क्योंकि वहाँ पे केसेस बढ़ने से जहाँ एक तरफ पॉजिटिव केसेस हमारे बढ़ेंगे, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लोगों की और कंपनी की भी आर्थिकी पर असर पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने सिडकुल एसोसिएशन के साथ भी मीटिंग करी हुई है। अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हर एक फैक्ट्री में जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनका 10% रैंडम सैंपलिंग कराई जाए। इसके अतिरिक्त जिले भर के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक निजी कंपनी के मालिक राजेंद्र तुलसियान का कहना है कि प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है और हम सब लोग मिलकर शेष बचे हुए कर्मचारियों की भी जांच कराएंगे। हम लोग अपनी कंपनी में दवाइयां बनाते हैं। हमारी कंपनी में गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार पूरा काम किया जाता है। हमारे यहाँ जो भी वर्कर आते हैं उनको टोटल पहले सैनिटाइज किया जाता है, उनका फीवर देखा जाता है, उनका मास्क दिया जाता है, उसके बाद ही वो कंपनी में इन होते हैं। हमारी कंपनी में पूरी तरह से दिन भर में कम से कम 4 बार पूरी कंपनी को सैनिटाइज किया जाता है ताकि किसी वर्कर को या फैक्ट्री में दिक्कत ना आने पावे। वहीं कर्मचारी प्रकाश पटेल का कहना है कि ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। आजकल जो कोरोना का कहर अपने जिले में भी ज़्यादा प्रभावित हो गया है, तो जिला प्रशासन और सरकार तरफ की तरफ से जो हर फैक्ट्री में 10% जो कोरोना की सैंपलिंग हो रही है, ये एक सराहनीय कदम है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में कार्यरत कर्मचारी तनुजा भट्ट का मानना है कि सरकार की ये बहुत ही सराहनीय पहल है, जिससे कर्मचारियों के अंदर सरकार और अपने मालिक के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है कि वो हमारी चिंता कर रहे हैं। से हमारा विश्वास हमारी सरकार और हमारी कंपनी के मालिक के प्रति बढ़ गया है कि वो हमारे प्रति इतना चिंता करते हैं और इतना सराहनीय कदम हमारे लिए उठा रहे हैं। गौरतलब है कि उधम सिंह नगर में लगभग 1500 छोटे बड़े उद्योग स्थापित हैं, जिनमें लगभग 2.5 लाख लोग कार्यरत हैं। पंतनगर सिडकुल क्षेत्र में कुल 528 कंपनियां हैं, जिसमें 454 कंपनियों में काम चल रहा है, जिनमें लगभग 1.5 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। इस बीच कल देर रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के 439 नए केस आए हैं। प्रदेश में कुल 4020 एक्टिव केस हैं। अब तक 140 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। कोरोना महामारी के बीच राजधानी देहरादून में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस लाइन में तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बार देहरादून के परेड ग्राउंड की बजाय पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करेंगे। डीआईजी अरुण मोहन जोशी और एसपी सिटी श्वेता चौबे ने आज पुलिस लाइन का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि कोरोना को देखते हुए परेड में कम पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अतिरिक्त फोर्स भी चेकिंग के लिए लगाई गई है। इस बार की परेड में 4 प्लाटून लगाई गई हैं। ग्राउंड के बजाय यहाँ पुलिस लाइन में कार्यक्रम हो रहा है। इतने दिनों से लगातार हमारी जो है रिहर्सल यहाँ जारी है। उसके अतिरिक्त सुरक्षा के दृष्टिगत जो है हमने फोर्स तैनात की है आउटर कॉर्डन में और इनर कॉर्डन में, और लगातार हमारी जो BDS टीम है उसके द्वारा भी जो एरिया है उसके आसपास सैनिटाइज किया जा रहा है, उनके द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। अतिरिक्त फोर्स भी जो है वो हमने तैनात किया है। चूंकि कार्यक्रम उस दिन राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, तो हमने उसके लिए अलग से ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का किया उद्घाटन। फेसलेस और फियरलेस असेसमेंट की हुई शुरुआत।
23 सितंबर से 3 दिवसीय विधानसभा सत्र का होगा आयोजन। कैबिनेट बैठक में फैसला, विधायकों के वेतन में कटौती के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार। प्रदेश में अगले 2 दिनों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, बारिश और भूस्खलन से कई जिलों में संपर्क और राजमार्ग प्रभावित। और उधम सिंह नगर में फैक्ट्री कर्मचारियों की हो रही कोरोना की रैंडम जांच, कंपनियां भी दे रही प्रशासन को सहयोग। कोरोना पर अंकुश के लिए प्रशासन चला रहा जागरूकता अभियान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।